हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल स्पेशल क्विज सीरीज का ये पार्ट 10 है, और इसके पहले हम टोटल 9 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। दे आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स वेरीज विथ टेम्परेचर, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरीज विथ टेम्परेचर, द इलेक्ट्रॉन गैस डेंसिटी वेरीज विथ टेम्परेचर। राइट आंसर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स वेरीज विथ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिस्टल एन एटम वाइब्रेट एट अ फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंड बाई द हीट कंटेंट ऑफ द क्रिस्टल, द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल, द स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड इट मेक्स विद नेवर्स। सॉरी, सही आंसर क्या है इसमें? द स्टिफनेस ऑफ द बॉन्ड्स इट मेक्स विद नेवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एल्यूमिनियम डज नॉट कोरोड इन एटमोसफियर। इनमें से कौन सा रीजन है कि एल्यूमिनियम में कोरोजन नहीं होता है? एल्यूमिनियम इज अ नोबल मेटल, एटमोसफेरिक ऑक्सीजन कैन ओनली डिफ्यूज वेरी स्लोली थ्रू द ऑक्साइड लेयर विच इज फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम, नो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑकर्स एट नेक्स्ट एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसमें से मेन रीजन जो होता है वो क्या होता है? एटमोसफेरिक ऑक्सीजन कैन ओनली डिफ्यूज वेरी स्लोली थ्रू द ऑक्साइड लेयर विच इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्योरिटी एटम्स एट सेमी कंडक्टर्स इंजेक्ट मोर चार्ज कैरियर्स, दे रिड्यूस एनर्जी गैप, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है इसमें? रिड्यूस द एनर्जी गैप, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? सिलिका, जर्मेनियम, सेलेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर नहीं है? वो है सिलिका। नेक्स्ट है, कार्बन रजिस्टर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बिकॉज दे आर इजी टू मेक, कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव, ऑल ऑफ द अबव रीजंस। जिसके लिए सही रीजन सारे रीजन हैं। नेक्स्ट है, कार्बन रॉड आर यूज्ड इन बैट एंड ड्राई सेल बिकॉज कार्बन रॉड सर्व एज अ कंडक्टर, कार्बन कैन रजिस्ट द अटैक ऑफ बैटरी एसिड बोथ ए एंड बी, फिर आइदर ए और बी। सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द ब्रश वेयर रेट इज अल्टरेटेड? स्पीड ऑफ द मशीन, कॉन्टैक्ट प्रेशर, सरफेस कंडीशंस ऑफ द ब्रश एंड कम्यूटेटर, एक्सेसिव स्पार्किंग, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है इसमें ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है दोस्तों? -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 माइक्रो कूलम, या फिर 9.107 इंटू 10 की पावर -31 कूलम, या फिर 9.107 इंटू 10 की पावर -25 कूलम। तो दोस्तों, सही आंसर आप सबको पता होना चाहिए, ये क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास mkg एंड चार्ज e कूलम ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी वोल्ट, इट हैज काइनेटिक
इट हैज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिली वोल्ट जूल, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, मिली बाई ई जूल। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। नेक्स्ट है, अ करेंट इज सेट टू बी डायरेक्ट करेंट व्हेन इट इज मैग्नीट्यूड रिमेंस कॉन्स्टेंट विद टाइम, मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम, डायरेक्शन चेंज विद टाइम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। तो डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं, जब दोस्तों डायरेक्ट करंट क्या होती है, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट चेंज, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट चेंज विद टाइम, मतलब कांस्टेंट विद टाइम, ये सही होगा। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन डी में दोस्तों थोड़ा सही कर लीजिए, चेंज विद टाइम की जगह क्या आएगा, नॉट चेंज विद टाइम या फिर कॉन्स्टेंट विद टाइम। ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंट विद टाइम कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करेंट इज सेट टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट चार्ज इट चेंज इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ ए एंड बी नैन ऑफ दीज। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, बोथ ए एंड बी। अल्टरनेटिंग करंट कौन है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समय के साथ साथ चेंज होता है। नेक्स्ट है, द जनरेटर डेवलप एन इलेक्ट्रिक प्रेशर बाई द जनरेटर डेवलप्स एन इलेक्ट्रिक प्रेशर बाई कन्वर्जन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। सही आंसर इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है, द जनरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेंज लॉ, नन ऑफ दी अबव। सही आंसर इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट है, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज टू चेंज लेवल ऑफ द वोल्टेज, द पावर लेवल, द पावर फैक्टर, द फ्रिक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है, द लेवल ऑफ द वोल्टेज, लेवल ऑफ द वोल्टेज। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप द वोल्टेज, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज ऑन डीसी, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। सही आंसर है टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस मीन्स द डिवाइस इन विच द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस थ्रू, अ गैस, वैक्यूम, सेमी कंडक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है इसमें, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ पैसिव कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वैक्यूम डायोड, जिनर डायोड, इंडक्टर या फिर SCR। तो इसको हम पैसिव कंपोनेंट की तरह क्या यूज होता है, इंडक्टर। विच इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जियोथर्मल या फिर विंड। तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट है, द डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज आर इंटरमिटेंसी, लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इन लो एनर्जी डेंसिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके सारे होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स जनरेटिंग स्टेशन टू अ स्विचिंग स्टेशन और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशंस। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन टू सर्विस ट्रांसफार्मर बैंक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर पर्पसेस, सर्विस पॉइंट टू कंज्यूमर पर्पसेस। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन क्या होती हैं, जो कि कनेक्ट करती हैं जनरेटिंग स्टेशन टू स्विचिंग स्टेशन या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है, अ थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर, अ थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन या फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन। दोस्तों थ्री फेज फोर वायर सिस्टम कहाँ पर यूज किया जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। नेक्स्ट है,
The basic element of an electric drive are electric motor and the transmission system, electric motor, the transmission and control system, the transmission and control system, electric motor and conversion equipment. So basic element कौन होते हैं electric drive के? The electric motor and the transmission and control system. Next है, the main drawback of electric drive is that. So main drawback क्या होता है electric drive का? It is cumbersome drive. It is costlier in initial as well as in maintenance cost. Electric power supply failure make the drive stand still and all of the above. So सही आंसर क्या है इसमें दोस्तों? इसका होता है electric power supply failures makes the drive stand still. ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों आज के. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों. यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए. यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पिकैट टेक क्लासेस को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट क्या मतलब, आपसे एक बात है, जो पिछले 9 पार्ट है उसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा है तो मैं सीरीज को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ. मैं पहले सोचा था मैं इसमें 3000 क्वेश्चन कवर करूँगा, लेकिन अभी तक हम इसमें 300 क्वेश्चन ऑलरेडी 300 क्वेश्चन के आसपास कवर कर चुके हैं. कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं? 300 क्वेश्चन के आसपास कवर कर चुके हैं दोस्तों, और रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है तो इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूँ. यदि डिमांड रहेगी, आप लोग बोलेंगे और रिस्पॉन्स सही रहेगा कुछ दिनों बाद, तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूँगा. लेकिन फ़िलहाल इसको मैं अभी रोक रहा हूँ, और इसके वीडियो आएंगे लेकिन बहुत गैप में आएंगे. 3-4 दिन में एक वीडियो आएगा. अभी डेली 2 वीडियो दे रहा था, लेकिन अब इसके कम वीडियो आएंगे. ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इस वजह से मुझे रोकना पड़ रहा है. क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो उसको हम यहीं पर रोकेंगे. डिमांड रहेगी तभी मैं लेके आऊँगा. ठीक है, डिमांड कैसे रहेगी? आपको लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.